ओके देन, नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में ऑन स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार है सेनोरिटा? तो चलो चलो चलो। सो कल अपन लोग ने स्टार्ट किया था एक नया चैप्टर, राइट? सो लेट द गेम बिगिन। फटाफट एज यूजुअल अपन क्या करेंगे, अपन रिवाइज कर लेंगे जो भी अपन लोग ने पढ़ा था, और आज फिर कहानी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। सो आर वी रेडी फॉर इट? यस सर, लेट द गेम बिगिन। सो अभी तक अपन लोग ने म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझा, तो उसके लिए मैंने आप लोग को एक कल एग्जांपल दिया था, ठीक है? उसके पहले वाले सेशन में आई थिंक ये अपने को अभी काफी क्लियर है। कोई नींद से उठा के भी पूछे तो क्या आप ये चार्ट बना के बता दोगे उसको? यस एवरीबॉडी, ये कॉन्फिडेंस है आप लोग को? यस, कभी भी कहीं पे भी अचानक से मैं आपको रोड पे मिल जाऊं और बोलूं, ए चल भाई बता दो, तेरे को आरबीआई गवर्नर बनाया और इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तुझे उसको मैनेज करना है, तो क्या कर पाओगे? 101%। यस राधे श्याम जी, सो आपका डॉलर वाला पॉइंट है वो अपन लोग डेफिनेटली मैनेज करेंगे उसको when we are doing our फॉरेक्स, डोंट यू वरी। चलो ठीक है। सो अब अपन लोग आ गए थे एक ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसका नाम है म्यूचुअल फंड्स। सो तुम लोग के पास पैसा है, ठीक है? तुम लोग 200 लोगों के पास, 500 लोगों के पास पैसा है, पर तुम्हारे पास टाइम नहीं है उसको इन्वेस्ट करने का, क्योंकि तुम्हारा तो आज से 4 से 5 महीने बाद एग्जाम है। तो भाई एग्जाम है तो अभी एग्जाम की पढ़ाई करे या इन्वेस्टमेंट करे? सो ऑब्वियसली यू आर लुकिंग फॉर समबडी जो प्रोफेशनली आप लोग के लिए ये चीज मैनेज करे, एंड दैट इज वॉट गेव राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ। सो अब एक म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल फंड वेराइटी ऑफ प्लेसेस पे इन्वेस्ट करता है, मेजरली शेयर मार्केट में, इन इक्विटीज मार्केट, डेट मार्केट, एंड उस हिसाब से पूरा सिस्टम चलता है। बहुत वेराइटीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स है, वो अपन लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अपन लोग ने फिलहाल म्यूचुअल फंड्स के प्रैक्टिकल साइड के ऊपर फोकस किया है, तो अभी अपन लोग प्रैक्टिकली म्यूचुअल फंड्स में क्या क्या होता है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद उसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे, एंड देन ऑब्वियसली कंबाइंड लेवल पे द होल चैप्टर विल बी डन। ऑलराइट गाइस, चलो अब इसमें अपन लोग ने देखा कि 1774 में नेदरलैंड्स में वेन कैटविच करके एक बंदा था, उसने ये सिस्टम चालू किया। उसके पास एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी था, बट अकेले के पास इतना पैसा नहीं था, तो उसने कुछ लोगों को जमा किया, और ये करते करते ही म्यूचुअल फंड्स जैसे कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ। अभी क्लियर? यस, याद आया, यूनिटी क्रिएट स्ट्रेंथ, बस यही तो मेन थीम है म्यूचुअल फंड्स का। एब्सोल्युटली यस। फिर अपन लोग ने इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश की कि यूनिट्स, म्यूचुअल फंड में यूनिट्स क्या होते हैं। तो जैसे शेयर मार्केट में इक्विटी शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स के बारे में अपने को पता है क्योंकि अपन बचपन से बैलेंस शीट बनाते आए हैं, सो वी नो व्हाट इज इक्विटी शेयर्स। सो जैसे वहां पे इक्विटी शेयर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में यूनिट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं। क्या यूनिट्स फ्रैक्शन में हो सकते हैं? क्या किसी को 202.34 यूनिट्स मिल सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन, क्या शेयर्स यूनिट्स में, क्या शेयर्स फ्रैक्शन में हो सकते हैं? क्या 202.34 शेयर्स मिल सकते हैं? दोनों का आप लोग की तरफ से मुझे जवाब चाहिए। कम ऑन एवरीबॉडी, क्या यूनिट 202.34 मिल सकते हैं? सब लोग ने जवाब दिया यस सर, एंड द आंसर इज करेक्ट। यूनिट्स कैन बी इन फ्रैक्शन। कैन शेयर्स बी इन फ्रैक्शन? द आंसर इज नो, शेयर्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। अपना शेयर्स तो टोटली होता है, 202 तो 202, 203 तो 203, राइट एवरीबॉडी? यस सर। फिर अपन लोग ने समझने की कोशिश की न्यू फंड ऑफर, मतलब जब कोई भी म्यूचुअल फंड अपना लॉन्च करता है, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज अ न्यू फंड ऑफर। वो एक ड्यूरेशन होता है जहां पे यूजुअली 10 रुपए का यूनिट प्राइस होता है, एंड देन फिर बाद में इट फ्लक्चुएट एज पर द नेट एसेट वैल्यू। अच्छा, अगर मैं वो NFO के टाइम पे ही कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूं और उसके बाद रिडीम करना है तो 3 साल के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो फंड का ड्यूरेशन है कि भाई 3 साल तक आप पैसा नहीं विड्रॉ कर सकते या और फंड, मतलब और यूनिट्स नहीं खरीद सकते। तो FA फंड को क्या कहते हैं बच्चों? FA फंड को क्या कहते हैं? बोलो बोलो, चल चल। करेक्ट, ऐसे फंड को कहते हैं अपन लोग क्लोज्ड एंडेड फंड, एंड जब मेरा मन चाहे तब मैं अगर उसको इन्वेस्ट कर सकता हूं तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ ओपन एंडेड फंड। आई होप अपने को ये चीज भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर है। कभी भूलोगे क्या? कभी नहीं। वेरी गुड। अच्छा, ये सबसे जो 2000 यूनिट्स
व्हेन कैटविच ने सेल किए हर यूनिट पे, उसने तो अपना एनएफओ का प्राइस रखा 1000 रुपया, तो उसके पास 20 लाख रुपीज आ गया। इस 20 लाख रुपीज को अपन क्या कहेंगे? एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। कितना पैसा है उसके पास मैनेज करने के लिए। और ये सब मैनेज करने के लिए वो फ्री में करेगा क्या? नहीं, वो एक फीस लेगा, एंड दैट बेसिकली विल बी कॉल्ड एज AMC प्रोफेशनल फीस। आर वी क्लियर? डन। ओके, अब ये सब जो पूरा गेम चल रहा है वो सब के गेम का एक हार्ट है, एंड दैट हार्ट बेसिकली इज कॉल्ड एज योर नेट एसेट वैल्यू, प्राइस एट विच अ म्यूचुअल फंड यूनिट इज बॉट और सोल्ड इन केस ऑफ ओपन एंडेड फंड्स। ये तो क्लोज एंडेड फंड में क्या होता है, मुझे एक बात बताओ। ओपन एंडेड फंड में तो अपन क्लियर है कि भाई अपन को अगर कोई नया यूनिट्स चाहिए तो म्यूचुअल फंड कंपनी इश्यू करेगी नया यूनिट्स एट द करंट एनएवी, और मेरे को अगर चाहिए कि नहीं, मेरे को बेचना है अपना यूनिट्स और पैसा चाहिए, तो म्यूचुअल फंड कंपनी रिडीम करेगी वो यूनिट्स एट नेट एसेट वैल्यू ऑन द करंट डे। बराबर है? तो नेट एसेट वैल्यू पे ट्रेडिंग हो रहा है ओपन एंडेड फंड्स में, तो बट क्लोज एंडेड फंड्स में क्या होगा बच्चों? एब्सोल्युटली करेक्ट, इट विल बी बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, जो नैव के आजू बाजू में ही होगा। ऐसा नहीं है कि क्लोज एंडेड फंड्स को नैव कैलकुलेट करना नहीं होता है, वो लोग को भी रेगुलर डेली बेसिस पे एज यूजुअल सेबी को 3:30 को अपने को जो देना पड़ता है इंफॉर्मेशन, वो इनको भी देना पड़ता है, तो नैव उनका भी एवरीडे बेसिस पे कैलकुलेट होता है। पर जो ट्रेडिंग है ना वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। ओपन एंडेड फंड्स में आप सीधा फंड हाउस के पास ही जा रहे हो और उसको बोल रहे हो चल चल मेरे को मेरा पैसा दे, या चल चल मेरे को नया यूनिट दे, तो सीधा फंड हाउस के पास ही जा रहे हो जो प्राइमरी ओनर है उस फंड्स का, तो आप प्राइमरी मार्केट में डील कर रहे हो। बट इन केस ऑफ क्लोज एंडेड फंड्स आप सेकेंडरी मार्केट में जा रहे हो जहां पे वो फंड हाउस नहीं है, जहां पे आपके और मेरे जैसे बायर्स और सेलर्स है, तो वो बायर और सेलर प्राइस डिसाइड करेंगे विच विल बी नियर टू एनएवी। तो एनएवी तो रोज वो फंड हाउस को कैलकुलेट करना है, तो कभी कभी ये डिमांड ज्यादा होगा तो एनएवी से ज्यादा में बेचेंगे, डिमांड कम होगा तो एनएवी से कम में बेचेंगे, बट और हो सकता है कभी कभी एनएवी के प्राइस पे बेचे, बट बेसिकली जो ट्रेडिंग होगा क्लोज एंडेड फंड्स का दैट विल बी एट द मार्केट प्राइस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? बोलो बोलो, चल चल। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट समझ में आया? ओपन एंडेड फंड्स प्राइमरी मार्केट में बाय सेल, क्लोज एंडेड फंड्स सेकेंडरी मार्केट में बाय सेल। इसके लिए प्राइमरी मार्केट में, इसके लिए एनएवी के ऊपर, जो एनएवी पब्लिश्ड है बाय करो सेल करो, बट सेकेंडरी मार्केट में फंड हाउस है ही नहीं, आपके जैसे मेरे जैसे बायर सेलर है, तो इसके लिए मार्केट प्राइस के ऊपर डिटरमाइन होगा, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे, सेंटिमेंट्स के बेसिस पे प्राइस डिटरमाइन होगा। ए समझी गुडू एवरीबॉडी? सही है, क्लियर है? ओके, आज की तारीख में 90% म्यूचुअल फंड्स आप देखोगे दे आर ऑल बेस्ड ऑन ओपन एंडेड स्कीम्स ओनली। चलो फिर अपन लोग ने समझने की कोशिश की नैव के बारे में। नैव क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, क्या बोला? एक यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड का जो भी मेरा प्राइस होगा दैट विल बी नैव। श्रवण शेट्टी का एक अच्छा क्वेश्चन है, ओपन एंडेड फंड कैन बी बॉट और सोल्ड इन सेकेंडरी मार्केट? द आंसर इज येस, बट लेट मी टेल यू क्या होता है, पता है क्या? सपोज ओपन एंडेड फंड है, अब सबको पता है कि ओपन एंडेड फंड तो आप सीधा फंड हाउस में जाके एनएवी पे बाय और सेल कर सकते हो, तो वो मार्केट में भी अगर सेल होगा ना विच इज अलाउड, तो भी वो एनएवी पे ही सेल और बाय होगा, सो दैट इज ओके, बट एनएवी पे बाय सेल होगा, बिकॉज अगर वो सबको पता ही है ना कि अदरवाइज फंड हाउस तो उसको एनएवी पे खरीदने को और बाय करने को रेडी है, तो इसके लिए यहाँ पे इतना ऊपर नीचे डिमांड सप्लाई और मैनिपुलेशन और वो सब पॉसिबल नहीं है, दैट्स द होल पॉइंट, बट यस इट कैन बी डन। गॉट इट श्रवण? चलो डन। ओके ओके, सो बेसिकली फिर अपन लोग ने म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक नॉलेज लिया, पूल ऑफ पब्लिक विद सरप्लस मनी इन्वेस्टेड विद अ प्रोफेशनल मैनेजर फॉर अ स्टिपुलेटेड फीस, एंड द रिमेनिंग रिटर्न इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द यूनिट होल्डर्स। ओके चलो, सो दैट्स हाउ द होल गेम बिगैन। फिर अपन लोग ने कैलकुलेट और समझने की कोशिश की कि कैसे एनएवी का फॉर्मूला आता है, और उसके लिए मैंने आपको बनाया एक कंपनी का CIO। एसके म्यूचुअल फंड के आप CIO बने, आपने देखा कि अपने पास 20 लाख रुपए आ रहे हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट आ रहे हैं, अपन लोग ने उसको इन्वेस्ट किया, फिर देखा कि यार 5 जून को इसका वैल्यू चेंज हो गया है,
और 5 जून को ही अपने को इसका NAV कैलकुलेट करना है. सो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लिया डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स लिया, जिससे अपने को मिला NAV पर यूनिट एज ऑन दैट डेट. एम आई राइट एवरीबॉडी? सही है. फिर बाद में अपन लोग ने कैलकुलेट किया NAV. क्या NAV एवरीडे कैलकुलेट होता है? आपने बोला था यस सर. तो अपन लोग ने कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स किया था, अब उसको देखते हैं अपन लोग. डज सो व्हाट इज NAV? प्राइस और वैल्यू ऑफ एवरी यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड विच इज परचेस्ड और सोल्ड. ठीक है, अब सुनो. डज NAV चेंज एवरी डे? यस. डज NAV चेंज एवरी सेकेंड लाइक शेयर? नो. एवरी सेकेंड चेंज नहीं होता है, एंड ऑफ द डे एवरी डे उसका NAV का प्राइस आ जाता है. इज NAV पब्लिश्ड एट डे एंड टू सेबी एवरी डे? यस, कंपल्सरी करना ही पड़ता है. इन ओपन एंडेड स्कीम परचेज एंड सेल ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स कैन बी डन एनी टाइम? बिल्कुल यस, ओपन एंडेड में आप कभी भी कर सकते हो, पर क्लोज एंडेड फंड्स में NFO के टाइम पे, या वो लोग आपको बोलेंगे क्लोज एंडेड में कि भाई 3 साल के बाद रिडेम्पशन इज पॉसिबल, तो वो टाइम पे आपको आना पड़ेगा. ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स आर परचेज एंड सोल्ड एट NAV, बट क्लोज एंडेड फंड्स आर परचेज एंड सोल्ड एट मार्केट वैल्यू. चलो, वी आर वेरी मच क्लियर विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स एज वेल. एंड फाइनली 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 अपन लोग ने कैलकुलेट करना सीखा NAV पर यूनिट. अगर मैं आपको बोलता हूं कि NAV पर यूनिट कैलकुलेट करना अब आपको इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला लॉजिकली आता है, तो क्या आप लिख पाओगे वो फॉर्मूला? बोलो बोलो, चल चल. महादेव का एक क्वेश्चन है. मार्केट कट ऑफ टाइम हर फंड का अलग होता है, तो फिर फॉर सॉल्विंग टाइम कट ऑफ विल बी 3:30. यस, ऑलवेज महादेव. हर फंड का कोई कट ऑफ टाइम नहीं होता है, कट ऑफ टाइम होता है मार्केट का. सेबी डिसाइड करता है कि स्टॉक मार्केट का कट ऑफ टाइम क्या है, वो कट ऑफ टाइम के हिसाब से फंड हाउस चलता है. फंड हाउस का खुद का कोई कट ऑफ टाइम नहीं होता है महादेव. प्रिंस तोशनीवाल बहुत हाई फाइव वर्ड यूज करता है. क्लोज एंडेड को नॉन कॉलेबल FD की तरह कह सकते हैं? कह सकते हैं. चलो, बस यही है कि FD में तेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड होता है. म्यूचुअल फंड में इट कैन यू नो टच 25% इन अ ईयर, इट कैन गो डाउन टू 0% ऑल्सो. चलो ठीक है, तो अब कह ना इससे अपने स्टूडेंट नोट्स बनाने की बारी आ गई है. तो जैसा अपन लोग ने फर्स्ट डे पे प्रॉमिस किया था कि अपन लोग बनाएंगे स्टूडेंट नोट्स, और ये स्टूडेंट नोट्स आप और मैं मिलके बनाएंगे, राइट एवरीबॉडी? सो ये अब आपको क्या करना है पता है? एक अलग से बुक बनानी है स्टूडेंट नोट्स की. ये बात हुई थी कि अपनी, मैंने बोला था ना आप लोग को कि आप लोग को अलग से एक बुक बनानी है स्टूडेंट नोट्स की. जैसे मैं अभी यहां पे बना रहा हूं, अलग से एक मैं यहां पे फोल्डर ही बना रहा हूं, और हर चैप्टर का जो स्टूडेंट नोट्स है वो अपन यहां पे लिखते जाएंगे. जी हाँ, SFM स्टूडेंट नोट्स मैं इधर लिख देता हूं म्यूचुअल फंड. तो ये म्यूचुअल फंड का इधर मेरा स्टूडेंट नोट्स बन जाएगा. अच्छा एवरीबॉडी, चलो. सो क्या अब अपने पास स्टूडेंट नोट्स में लिखने लायक कुछ है क्या? द आंसर इज यस. सबसे पहले तो अपन लोग ने NAV का कैलकुलेशन सीखा है, सो क्यों ना ये NAV पर यूनिट का स्टूडेंट नोट्स में एंट्री आ ही जाना चाहिए. बोलो पब्लिक, यस और नो? सो इसको अगर मैं सिस्टमैटिकली लिखूं तो कहना ही से ये मेरा NAV का फॉर्मूला हो गया, राइट एवरीबॉडी? तो चलो आओ लिख दूं मैं इधर, विद योर परमिशन लिख दूं मैं. तो फर्स्ट जो मेरा स्टूडेंट नोट्स है उसमें आ जाएगा क्या? NAV पर यूनिट का कैलकुलेशंस, विच इज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, विच इज NAV पर यूनिट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सॉरी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में क्या क्या आएगा? सो
सो यहाँ पे बेसिकली मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में ये सारी चीजें अपनी आ जाएंगी. सो वी विल राइट हियर ए मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. याद रखना इस इन्वेस्टमेंट्स में शेयर्स आएगा, डिबेंचर्स आएगा, कभी कभी बॉन्ड्स आएगा. भाई बॉन्ड्स भी तो ट्रेड होता है मार्केट में, तो जो भी ट्रेड हो रहा है मार्केट में उसका मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एज ऑफ डेट जब आप एनएवी कैलकुलेट कर रहे हो एज इट इज लिखना है. सिंपल, कोई डाउट मत रखना. चलो फिर और क्या क्या है. डिविडेंड इनकम, ये अपना बात हुआ था. सो वी विल एड डिविडेंड इनकम जो भी मिलने वाला है अपने को, स्लैश इंटरेस्ट इनकम जो भी मिलने वाला है अपने को. सो डिविडेंड इंटरेस्ट. अच्छा फिर और अगर कोई कैपिटल गेन होता है ऑन सेल ऑफ शेयर तो ये भी आ जाएगा. फिर और जरूरी नहीं है सेल ऑफ शेयर ही. से फॉर एग्जाम्पल किसी म्यूचुअल फंड ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, ठीक है, बहुत रेयर होता है, बट सपोज किसी म्यूचुअल फंड ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बेच दी तो हो सकता है उससे भी कुछ गेन हो जाए, भी यहां पे लिख देंगे अपन. ओके, एनी अदर इनकम रिसीवेबल लेस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस कर देंगे माइनस. एनी अदर इनकम लेस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज अगर कुछ हुआ तो, अक्रूड एक्सपेंसेस अगर कुछ हुए तो माइनस हो जाएंगे. अदर पेबल्स अगर कुछ हुआ तो, ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी योर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. दिस इज गोइंग टू बी योर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. क्या आपने को ये याद रहेगा? यस सर. डिवाइड किससे किया अपन लोग ने? आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट से. सो ये देखो एक चीज याद रखना, ये जो है ना ये टोटल, इसको क्या बोलेंगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ई को आप क्या बोलोगे? आप मुझे बोल सकते हो क्या? आप लोग मुझे बता सकते हो इधर टाइप करके, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ई को आप क्या रिप्रेजेंट करोगे बच्चों? गुड क्वेश्चन बाय जसलीन. सर एफडी में इंटरेस्ट रिसीव्ड करेंगे या अक्रूड इंटरेस्ट? आइडियली इंटरेस्ट रिसीव्ड. गुड, इसको कहते हैं टोटल नेट एसेट वैल्यू. वेरी नाइस. सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ई इज इक्वल टू टोटल नेट एसेट वैल्यू, राइट? दिस विल बी डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है. सो कैन आई से मेरा स्टूडेंट नोट का पहला फॉर्मूला आ चुका है. बहुत बहुत बधाई हो आप सबको भी. एवरीबॉडी इज क्लियर? डन है गाइस? चलो क्लियर है सर. सेकेंड के ऊपर आ जाते हैं. चलो क्या और एक अपन लोग ने फॉर्मूला डिराइव किया था? यस, अपन लोग ने किया था. कल जाते जाते अपन लोग ने एक सम किया था, उसका भी एक नया फॉर्मूला आया था. क्या उसको भी मैं लिख दूं यहां पे मेरे स्टूडेंट नोट्स में गाइस? डन. सो कैन आई से ये अपना नया फॉर्मूला आया था. सो इधर भी ये भी स्टूडेंट नोट्स में आ जाएगा, तो सेकेंड अपना स्टूडेंट नोट्स आ जाएगा. कैलक्यूलेशन ऑफ नैव. मैं क्या बोल रहा हूं, जब तुम लोग अपना नोट्स बना रहे हो ना तो इतना सिस्टमैटिक बनाओ, हो सके तो तीन चार कलर का पेन रखो. जो मेन पॉइंट, जो नोट वाले अपने पॉइंट्स होते हैं उसको ग्रीन कलर से लिख लो, जो नॉर्मल अपने लिखना है ब्लू ब्लैक पेन से लिख लो, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, फॉर्मूला आ गया, उसको रेड पेन से लिखो. दैट्स हाउ इट शुड बी. तो पढ़ने को भी मजा आएगा वापस से, एट द टाइम भी नोट्स भी इतने पुख्ते इतने स्ट्रांग होंगे ना तुम लोग के कि क्या ही कहना. दूसरा, मैं चाहूंगा कि जब तुम लोग का अपना स्टूडेंट नोट्स लिख के हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो मेरा और आपका दोनों का स्टूडेंट नोट्स कंप्लीट हो जाएगा. आई विल वांट यू टू शेयर योर स्टूडेंट नोट्स विद मी थ्रू व्हाट्सएप थ्रू अ पीडीएफ नोट.
यस, तो आप एक पीडीएफ बनाना और मेरे को व्हाट्सएप कर देना कि सर ये मेरा स्टूडेंट नोट है, प्लीज गो थ्रू दिस, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू गो थ्रू दिस, एंड ट्रस्ट मी, इससे और अच्छा आप लोग का लेवल आते जाएगा, आप लोग को भी लगेगा कि यार सर को दिखाना है, तो चलो अच्छी तरह से उसको करते हैं, एंड मैं भी उसको गो थ्रू करूंगा, एंड डेफिनेटली अच्छा लगेगा, तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करना चाहूंगा विद ऑल हैप्पीनेस, राइट? सो प्लीज इतना अच्छी तरह से बनाओ दैट यू शुड बी एबल टू रिवाइज फ्रॉम इट, एंड आपका भी मन करे उससे पढ़ने का, राइट? चलो, सो कैलकुलेशन ऑफ नैव व्हेन डेली इंफॉर्मेशन इज गिवन, व्हेन डेली इन्फो इज गिवन। चलो आ जाओ, क्या लिखेंगे यहां पे? सबसे पहले कैन आई से येस्टरडे इज नैव। सपोज ये देखो भाविन का क्वेश्चन, सर सपोज इफ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज एग्जेम्प्ट वेदर इट इज इंक्लूडेड इन मार्केट वैल्यू और नॉट। अरे भाई ऑब्वियसली इट इज इंक्लूडेड इन मार्केट वैल्यू, अपन लोग यहाँ पे टैक्स थोड़ी कर रहे हैं कि ये इनकम एग्जेम्प्ट है तो ये मेरा इनकम ही नहीं है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। भाई मेरा इनकम इनकम है, उसका टैक्स इम्प्लीकेशन गया वो टैक्स के प्रोफेसर के पास। यहाँ पे अपने को जो इनकम आ रहा है, एग्जेम्प्ट इनकम हो जो भी इनकम हो, मेरे पास जो भी इनकम आया है वो सारा विल फॉर्म पार्ट ऑफ माई टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, एम आई क्लियर एवरीबॉडी? कूल। वन, येस्टरडे इज नैव इनटू आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, तो ये अपन लोग लिख लेते हैं फटाफट, येस्टरडे इज नैव इनटू आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स येस्टरडे, बराबर? यस सर। ओके, देन डिविडेंड रिसीव्ड, पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन, सो ये दोनों ऐड हो जाएगा, डिविडेंड स्लैश इंटरेस्ट रिसीव्ड, फिर पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन, एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कोई नया इश्यू हुआ है देन इन दैट केस उससे जो पैसा आया है दैट विल ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ माई मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो मनी रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ न्यू यूनिट्स, सो मनी रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ न्यू यूनिट्स, फिर मनी पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स, मनी, ये मनी पेड क्या होगा, ऐड होगा या लेस होगा? कहना इसे मनी पेड तो मेरा लेस हो जाएगा, सो लेस मनी पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ न्यू यूनिट्स। ठीक है, याद रखना, जब म्यूचुअल फंड हाउस नया यूनिट्स इश्यू करते हैं उसको कहते हैं इश्यू ऑफ यूनिट्स, और जब वो उसका पैसा दे देता है आपको जब आप बेचने को जाते हो, तो बेसिकली म्यूचुअल फंड हाउस रिडीम कर रहा है, रिडेम्पशन कर रहा है उस यूनिट्स का। और एक चीज लेस कर देंगे अपन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या लायबिलिटीज, ठीक है, ये सब मिला के क्या बन जाएगा? दिस विल बी कॉल्ड एज योर टोटल नेट एसेट वैल्यू, टोटल नेट एसेट वैल्यू डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करेंगे अपन लोग इसको? टोटल डिवाइड किससे करेंगे? आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। क्या ये आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स का भी फॉर्मूला है? यस सर। क्या येस्टरडेज नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस यूनिट्स रिडीम लेस यूनिट्स, आई मीन प्लस यूनिट्स इशू लेस यूनिट्स रिडीम, सो येस्टरडेज नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस यूनिट्स इश्यूड लेस यूनिट्स रिडीम्ड, बराबर है पब्लिक? अभी सुनो, ओ सुनो सुनो दुनिया के लोगों, अभी तुम लोग का स्टूडेंट नोट स्टार्ट करवा दिया है मैंने, अब इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का है, कैसे? वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका कि मेरा? बोलो 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 बोलो, चल चल,
मेरे को स्टार्ट देना था, मैंने फंडा बता दिया है कैसे कैसे उसको क्या करना है, बाकी अब आपके ऊपर है, द बॉल इज इन योर कोर्ट। बट सर एग्जिस्ट रिडेम्पशन तो एग्जिस्टिंग यूनिट्स का होगा ना। हाँ ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग यूनिट्स का ही होगा ना, किसने मना किया है? जो मार्केट में यूनिट्स है जो अपन लोग ने इश्यू किया है उसको अपन लोग रिडीम करेंगे, किसने मना किया है? चल डन है, इधर तक सब सॉर्टेड है, ठीक है। सो काइंड ऑफ एक अपन लोग ने इसी के साथ रिवाइज भी कर लिया मेन, अभी तक अपना जो फंडा हुआ है वो है नैव से रिलेटेड हुआ है फंडा, वो भी याद आ गया अपने को। अपन लोग ने एक स्टूडेंट नोट्स को भी किक स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा सा अपन लोग ने एक बैकड्रॉप भी ले लिया क्या क्या जो अपन लोग ने पढ़ा है। सो नाउ आई थिंक वी विल स्टार्ट विद न्यू थिंग्स टूडे, आर यू एक्साइटेड फॉर द न्यू थिंग्स एवरीबॉडी? तो चलो शुभकामनाएं देवी किस बात की, लेट द गेम बिगिन। लेट द गेम बिगिन। सर फिफ्थ पॉइंट में न्यू यूनिट्स क्यों लिखा है? अक्षत सिंगला, अक्षत कौन सा फिफ्थ पॉइंट? अक्षत तेरा पॉइंट नहीं समझा भाई मेरे को। प्रिंस ने एक अच्छा पॉइंट बोला है कि सर बस बता दीजिएगा कि दिस इज फॉर स्टूडेंट नोट्स, बाकी वी विल प्रिपेयर। डन, कुछ जगहों पे तुम लोग मुझे बता देना, कुछ जगहों पे मैं बता दूंगा। मेरे भाई ये देखना ई पॉइंट, अगर तूने कुछ पैसा दिया, सपोज अगर सपोज मैं फंड हाउस हूं, तू अक्षत सिंगला है, तू बोल रहा है कि सर मेरे पास है ना 1000 यूनिट है, उसमें से 200 यूनिट मेरे को बेचना है, तो तू 200 यूनिट बेचने के लिए मेरे पास आएगा, तो तू वो 200 यूनिट मेरे को दे देगा, तो 200 यूनिट का जो येस्टरडे का नया होगा उस हिसाब से मैं तेरे को पेमेंट करूंगा ना, तो मैं म्यूचुअल फंड हाउस पेमेंट कर रहा हूं, तो मेरे अकाउंट से तो पैसा गया ना, तो मेरे अकाउंट से पैसा गया तो उतना मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा ना राजा, समझे क्या अक्षत जी? अच्छा मनी रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ न्यू यूनिट्स, याद रखना येस्टरडेज नैव के ऊपर ही होगा। ये भी पॉइंट बता देता हूं भाई, कंफ्यूजन ना हो जाए तुम्हारे को, ये येस्टरडेज नैव के ऊपर होगा, जो रिडेम्पशन होगा येस्टरडेज नैव के ऊपर होगा, ध्यान रखना। अक्षत बोल रहा है सर आपने लिखा है मनी पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ न्यू यूनिट्स, न्यू यूनिट्स कहाँ लिखा है अक्षत, ध्यान दे थोड़ा। अक्षत सो रहा है क्या सुबह सुबह? कहाँ लिखा है न्यू यूनिट्स, किसी को दिखा क्या न्यू यूनिट? मनी पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स, जो इशू किया हुआ है वो यूनिट्स के ऊपर, कैसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग? भरत भूप बराबर देख, थोड़ा ध्यान दो, सुबह सुबह सो रहे हो, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, गुड गुड। चलो ओके गाइस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सो दैट वाज ऑब्वियसली टाइपो एरर, नहीं दिखाना तो डाउट क्यों पूछ रहे तू फालतू का। चलो आ जाओ कहानी को अब आगे बढ़ाएंगे। सो मैं क्या बोल रहा हूं, ए अरे बराबर है भाई मेरे, मैंने है ना खाली इधर गलती से लिख दिया था वो मनी पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ न्यू यूनिट्स, वो न्यू यूनिट्स नहीं था, मेरा मिस्टेक था रे। बट अभी खुद अपना मिस्टेक आदमी कैसे माने, तो मेरे पास तो ऑप्शन है ना, इरेज कर दिया और दिखा भी नहीं ऐसा, ठीक है। चलो असलम भाई टेंशन मत ले, समझ गया उसको, हम मजाक कर रहे थे। ओके 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 कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा अभी मैं क्या बोल रहा हूं, कल वाला मेरा वो सिस्टम कैसा लगा तुम लोगों को, कि मैंने तुम लोग को कंपनी का सीआईओ बनाया और वो पूरा क्वेश्चन तुम लोग के पास फेंक दिया, तुम लोग को बोला तुम लोग सोचो, कुछ लोग सोच पाए नहीं सोच पाए, और फिर अपन लोग ने साथ में मिलके उसको सॉल्व किया और फॉर्मूला को डिराइव किया। क्या इसी सिस्टम को कंटिन्यू रखू, क्या हर बार मैं ऐसा ही कुछ करूं कि आप लोग के सामने एक चुनौती, एक यू कैन से समथिंग टू थिंक अपॉन तुम लोग के सामने रख देता हूं, एंड देन यू विल थिंक एंड देन वी विल टेक इट फॉरवर्ड, क्या बोलते हो? सो आई थिंक वी विल डू इट दैट वे गाइस,
चलो सब लोग की तरफ से थम्स अप है, सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट फंडा. एक सेकंड ना. चलिए सो आज भी बस पेमेंट भी सीएफओ जैसी घर पे भिजवा देना, तो आप आंसर भी पहले सीएफओ जैसे दे देना, देखते हैं. आइए आइए चलो. सो अब आ रहा है वापस से मेरा एग्जांपल. एज यूजुअल जैसा मैंने बोला कि आप हो इस कंपनी के एस के म्यूचुअल फंड के सीआईओ. सीआईओ मतलब चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, ठीक है. और एक तो होता है ओपन एंडेड फंड जिसके बारे में आप लोगों को पता है, दूसरा होता है क्लोज्ड एंडेड फंड. दूसरा होता है क्लोज्ड एंडेड फंड. अब से फॉर एग्जांपल एसके म्यूचुअल फंड एक क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड इशू कर रहा है, इशू कर दिया. अब आप मेरे को बताओ, इशू हो चुका है ये, ठीक है. अब आपको दो तीन सवालों का जवाब देना है. नैव है इसका ₹12, मार्केट प्राइस जो ट्रेड हो रहा है स्टॉक मार्केट में, जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा है दैट इज ₹14. आप बोलो इस क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड का ट्रांजैक्शन ₹12 पे होगा या ₹14 पे होगा. एवरीबॉडी ₹12 पे होगा या ₹14 पे होगा. एवरीबॉडी हैज टू आंसर. एब्सोल्युटली करेक्ट, एकदम सही जवाब दिया आप लोग सब लोग ने. द आंसर इज सर इट विल बी एट ₹14. इट विल बी एट ₹14. सो इधर अपन लोग लिख लेंगे ट्रेडिंग ऑफ क्लोज्ड एंडेड फंड्स विल बी एट स्टॉक मार्केट मार्केट प्राइस दैट इज ₹14 पर यूनिट, दैट इज ₹14 पर यूनिट. चलो इतना सब लोगों को समझ में आता है, द आंसर इज यस. अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुम लोग को, उसका मेरे को एज यूजुअल जवाब देना है दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द सिस्टम. अच्छा मुझे बताओ ये अपना जो फंड है एसके म्यूचुअल फंड, ये वाला जो फंड है वो कैसा टाइप, क्या स्ट्रक्चर क्या है उसका, ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है. अभी तुम लोग को बताया था इसका स्ट्रक्चर क्या है, ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है. अभी मैंने तुम लोग को बोला था ये क्या है, एक क्लोज एंडेड फंड है. फोकस आज अपना अभी फिलहाल क्लोज एंडेड फंड के ऊपर है. लुक हियर, सपोज क्वेश्चन में दिया है नैव इज 12, ठीक है. मार्केट प्राइस ऑफ दिस क्लोज एंडेड फंड इज 14, ठीक है. सो ये कैन आई से नैव और मार्केट प्राइस में ₹2 का डिफरेंस है. अरे हाँ कि ना, बराबर है. मुझे बताओ ये ₹2 को आप क्या बोलोगे, ये ₹2 को आप क्या बोलोगे. ये जो मार्केट प्राइस नैव से ज्यादा है ना, इस ₹2 को अपन कहेंगे प्रीमियम. कैन आई से ज्यादा में परचेज और ज्यादा में बिक रहा है ये. मतलब अगर आपके पास ये क्लोज एंडेड फंड का यूनिट्स है, मार्केट में बेचने को जाओगे ₹14 मिलेगा, मतलब कैन आई से प्रीमियम मिलेगा. यस, मार्केट में खरीदने को जाओगे तो भी ₹14 देना पड़ेगा, प्रीमियम में खरीदना पड़ेगा. इन शॉर्ट ये जो ₹2 हुआ ये क्या हुआ पब्लिक, ये जो ₹2 हुआ ये क्या हुआ, दिस विल बी कॉल्ड एज प्रीमियम. दिस विल बी कॉल्ड एज प्रीमियम. समझ में आ गया, ठीक है. अब इसी के बाजू में मैं और एक चीज लिखूंगा, वो क्या हो जाएगा. बहुत बढ़िया, ये लोग के जवाब भी आना चालू हो गए हैं. तो अगर मेरा नैव है 12, अगर मेरा मार्केट प्राइस है 9, तो मुझे बताएगा पब्लिक ये ₹3 क्या होगा, ये ₹3 क्या होगा. करेक्ट, दिस ₹3 विल बी डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट. या ए समझ गए. गॉट इट
इतना सब लोगों को समझ में आ गया है, इसमें किसी को कोई भी डाउट? चलो सो यूजुअली यू विल वॉन्ट टू परचेज एट डिस्काउंट एंड सेल एट प्रीमियम, और ऑब्वियसली एवरीबडी विल वॉन्ट दैट. चलो अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां पर प्रेजेंट करता हूं, आप लोगों को उसका जवाब देना है, फिर अपन लोग इसको सॉल्व करना चालू करेंगे फ्रॉम आर बुक. से फॉर एग्जाम्पल 1 जैन को मैंने 1000 यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड खरीदा. जब मैं 1000 यूनिट्स म्यूचुअल फंड का खरीद रहा हूं तो मैं क्या बन जाता हूं? जब मैं किसी कंपनी का शेयर्स खरीदता हूं तो मैं बन जाता हूं शेयर होल्डर. तो अब जब मैं इस एसके म्यूचुअल फंड का 1000 यूनिट्स खरीद रहा हूं, जब मैं इस एसके म्यूचुअल फंड का 1000 यूनिट्स खरीद रहा हूं तो मैं क्या बन जाता हूं? करेक्ट, यूनिट होल्डर. सो दिस जसलीन जी, यूनिट होल्डर. शेयर्स खरीदूंगा तो शेयर होल्डर, यूनिट खरीदूंगा तो यूनिट होल्डर. चलो ठीक है. सो 1000 यूनिट्स मैंने 1 जैन को खरीद लिया एट द रेट ₹10. अब हुआ क्या, इधर आप लोगों को बता देता हूं मैं कहानी. 10 जैन को इसका एनएवी था ₹12. 10 जैन को इसी का मार्केट प्राइस था ₹9. आई वॉन्ट टू सेल above 1000 units on 10th Jan. आप लोग को बताना है मुझे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा या नो प्रॉफिट नो लॉस. टेल मी एवरीबॉडी. मुझे बताओ क्या होगा इस सिचुएशन में. कहना इसे लॉस हो जाएगा. So, ₹10 का भले ही नैब 12 हो गया है, बट अपने को तो क्लोज एंडेड फंड को मार्केट में ही बेचना पड़ता है. प्लीज बी वेरी क्लियर अबाउट इट. क्या होगा पता है एग्जाम में फ्लो में नैब इतना तुम लोग ने किया होगा कि तुम्हारा ध्यान जाएगा नैब पे और लगेगा नैब ही मेरा सही आंसर है. अभी तो क्या मैं स्पेसिफिकली क्लोज एंडेड का करवा रहा हूं ना, तो इसके लिए वो आइडिया है तुम लोग को. बट एग्जाम में तो 100 चीजें दिमाग में चलती है, तो कहीं ना कहीं ध्यान भटक जाता है और नैव के ऊपर आ जाता है. बट यू हैव टू रिमेम्बर क्लोज्ड एंडेड फंड में फोकस मार्केट प्राइस के ऊपर होता है. अच्छा एवरीबॉडी, सो यहां पे अपन लोग बोलेंगे कि लॉस हो जाएगा. कितने का लॉस हो जाएगा? सो वी विल से, इधर में अपन लोग लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में मैं लिख देता हूं. 10-1 को सेल होगा एट द रेट ₹9, विच इज मार्केट प्राइस, मल्टीप्लाई बाय 1000 यूनिट्स, ₹9000. ओके, डन सर, डन. एंड फाइनली हियर वी हैव द आंसर. इस इन्वेस्टर को लॉस हो गया है क्योंकि उसने जिस चीज को 10000 में खरीदा था उस चीज को 9000 में बेच दिया है, तो 1000 का लॉस हो गया है. मेरे को परसेंटेज पर वाइज कैलकुलेट करना है तो मैं बोलूंगा 10000 के इन्वेस्टमेंट पे 1000 का लॉस हो गया है, यानी 10% का मेरे को लॉस हो गया है. जी हाँ, ए समझिगड़ू प्लीज एवरीबॉडी. परफेक्ट है. अब अपन लोग, सर ₹10,000 कैसे आया? भरत जी, 1 जैन को 1000 यूनिट खरीदा था ₹10 में. चलो आपके लिए यहां पे ये भी हम वर्किंग बता देते हैं. तो यहां पे अपना परचेस प्राइस हो गया ना बेटा, सो तेरा परचेस प्राइस कितना हो गया? 1000 यूनिट्स एट द रेट 10, विच इज इक्वल टू ₹10,000. ए समझियो एवरीबॉडी. भरत जी समझे? क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ आर बुक. एवरीबॉडी आ जाइए.
कमान कमान चाली। चलो गाइस स्टार्ट कर रहा हूं मैं। फोकस, क्या सिस्टम रखना है तुम लोग बताओ। एक सिस्टम है कि मैं रीड करूं, मैं ही सॉल्व करूं। दूसरा सिस्टम है मैं रीड करके 2 मिनट डिस्कस कर लूं, तुम लोग को 2 मिनट सॉल्व करने का दूं और फिर मैं सॉल्व करूं। बोलो क्या करना है, पूरा मैं ही पढ़ के मैं ही सॉल्व कर लूं या तुम लोग को 2 मिनट दूं ट्राई करने का। जैफा तुम लोग बोलो। जैफा जन प्रजा बोलेगी, राजा वैफा ही करेगा। सेकेंड ऑप्शन क्या था, सेकेंड ऑप्शन? अच्छा तुम लोग भी करोगे ट्राई, गुड, आई लाइक दिस। चैलेंजेस लेने वाले लोग मुझे बहुत पसंद है, वेरी नाइस। तो चलो एक बार अपन रीड करते हैं, साथ में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? जितना नॉलेज तुम लोग का है उसी नॉलेज के हिसाब से मैं डिस्कस करूंगा एंड फिर अपन टेक फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है? आओ, मिस्टर विवेक परचेज्ड अ 3 ईयर क्लोज एंडेड फंड। सुनो अभी, अब जब मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं या तुम लोग भी क्वेश्चन को जब रीड कर रहे हो तो लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए मुझे ना। आप इधर कुछ कमेंट करोगे जब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं और डिस्कस कर रहा हूं, हाँ फिर डाउट आएगा वो पूछ लेना, ना ही आप लोग जब क्वेश्चन रीड कर रहे हो ना तो इन जनरल आपके आजू बाजू में कोई भी डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए। इन जनरल बोल रहा हूं, खाली ये SFM पढ़ते वक्त नहीं, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चीज पढ़ रहे हो ना, स्पेशली क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट, तो उस चीज में इतना गहरे डूब जाओ दैट आपको आजू बाजू में कोई आया गया कुछ भी हो रहा है, यू शुड नॉट बी कंसर्न अबाउट इट एट ऑल। तब जाके वो फोकस आएगा एंड तब जाके डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड इन एग्जाम्स एंड गुड इन लाइफ, बिकॉज आगे भी लाइफ में बहुत सारी चीज है जहां पे आपको कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस की जरूरत पड़ेगी, बट मेजोरिटी पब्लिक इधर ही पीछे हट जाता है दैट दे आर नॉट फोकस्ड ऑन व्हाट दे आर डूइंग। एक साथ 10 चीजें ध्यान में रखोगे ना कहीं के नहीं रहोगे, तो इसके लिए जो हाथ में है अभी ये क्वेश्चन हाथ में है, इतना गहरे तरह से डूब जाओ दैट भले ये 4 लाइन का क्वेश्चन है बट इसके अलावा आज की तारीख में तुम लोग की जिंदगी में कुछ नहीं होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन जब रीड कर रहे हो ना गेट इन डेप्थ इन टू इट। आई होप यू विल डू दैट नॉट ओनली फॉर दिस, इन जनरल ऑल्सो फॉलो दिस एज अ प्रैक्टिस, काफी काम आएगा। मिस्टर विवेक परचेज्ड अ 3 ईयर ओल्ड क्लोज एंडेड फंड। क्लोज एंडेड फंड ध्यान रखना, क्या बोला है, क्लोज एंडेड फंड ऑफ टाटा। अच्छा 3 ईयर क्लोज एंडेड फंड का मतलब क्या होता है, मतलब जब NFO आया तब आपने सब्सक्राइब कर लिया, अब अगर आपको फंड हाउस को ही वापस से बेचना है तो 3 साल तक क्लोज्ड है वो, आप कुछ नहीं कर सकते। 3 साल के बाद आप फंड हाउस के पास जा सकते हो, बट ये 3 साल के दरमियान, इसके बीच में, विद इन दैट पीरियड अगर आपको करना है तो आप मार्केट में सेल या बाय कर सकते हो। When the fund was launched at an opening offer price of 10 per unit. ये opening offer का मतलब क्या होता है अपनी language में? Can I say इसको NFO कहते हैं? Opening offer price, NFO, new fund offer, 10 रुपए में हुआ था। Since these units got listed on the stock exchange, since then the units got listed on the stock exchange. Okay. After a year, the NAV of the fund was ₹12.5. Okay. However, the units of the fund were trading at a discount of 25%. What a fantastic line. मैं तुम लोगों को ट्राई करने के लिए 2 मिनट देने वाला हूं, इसीलिए अभी अपने आप को रोक रहा हूं ये पॉइंट बताने से। बस इतना देख लो कि 10 रुपए में लिस्ट हुआ था, 1 साल के बाद नैव हो गया है 12.5, बट यूनिट्स ऑफ द फंड आर ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%। प्रीमियम डिस्काउंट क्या होता है ये अपना डिस्कशन हो चुका है। ड्यूरिंग द ईयर अ डिविडेंड ऑफ 5% वॉज गिवेन। ओके ओके ओके। इफ मिस्टर विवेक सेल्स द यूनिट्स इन एक्सचेंज, इन द एक्सचेंज, इन द स्टॉक एक्सचेंज, वुड यू हैव अर्न एनी रिटर्न एट ऑल? ट्राई करो, 2 मिनट दे रहा हूं, मेरी बहुत इच्छा हो रही है करने की, फ्लो में ही साथ में, बट जैसा तुम लोग ने बोला सर 2 मिनट हम लोग को दो, चलो दिया, ठीक है। रीड द क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन को रीड कर रहे हो साथ साथ में चीजें लिखते जाओ कि NFO पे 10 रुपए पे आया था, NAV 12.5 हो गया, अभी डिस्काउंट पे है, डिविडेंड मिला है 5% का, लिखते जाओ वो सब चीजें एंड देन मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है? कम ऑन एवरीवन।
गूगल ड्राइव वालों तुम लोग को भी यही करना है भाई, या तो वीडियो को पॉज कर दो या अभी फटाफट सॉल्व कर लो एंड देन वी विल स्टार्ट। चलो टाइम अप, करूँ स्टार्ट। महादेव प्रॉफिट है या लॉस है? चलो 1 मिनट दे रहा हूं, अदर्स ट्राई। चलो चलो करेंगे स्टार्ट, काफी लोगों ने आंसर दे दिया है। कीप इट अप, गुड वन, कीप गोइंग। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं लॉजिकली, एकदम बेसिक से, ठीक है? जिसका हो गया है प्लीज वो भी ध्यान देंगे, शायद आपको मेरे बोलने से कुछ चीज सीखने को मिल जाए, और अगर आपका हो गया है आंसर राइट आया है कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेड़ अंजन, मिस्टर विवेक, तो बात है मिस्टर विवेक की, यहां पे अपने को क्या ना इसे इन्वेस्टर के एंगल से सोचना है। चलो यहां पे क्या ना इसे मिस्टर विवेक के बारे में अपने को सोचना है। मिस्टर विवेक कौन है? मिस्टर विवेक है इन्वेस्टर, तो बास्केट में लिख देने का भाई, अपने को किसके एंगल से सोचना है? इन्वेस्टर के एंगल से सोचना है। आइए अब लिखते हैं यहां पे क्या क्या उसने बोला है। उसने खरीदा था, कितने में खरीदा था? 10 रुपीज में। कब? ओपनिंग ऑफर में, एनएफओ में। सो इधर मैं लिख सकता हूं परचेस्ड म्यूचुअल फंड यूनिट्स एट एनएफओ प्राइस इक्वल टू रुपीज 10 पर यूनिट, इक्वल टू रुपीज 10 पर यूनिट। डन, ओके। फिर क्या हुआ? एक साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, नैव हो गया 12.5 पर यूनिट। और फिर इधर लिखा है वो लोग ने दैट द यूनिट्स ऑफ द फंड वर ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, तुम लोगों को कैसे पता ये डिस्काउंट किसके ऊपर है? ये डिस्काउंट तो 10 रुपीज के ऊपर भी हो सकता है, 12.5 के ऊपर भी हो सकता है, या शायद किसी और चीज के ऊपर हो जो दिया ही ना हो। सो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं एक थंब रूल, दैट डिस्काउंट, तुम लोग ने तो चलो अभी आंसर देख लिया तो तुम लोग होशियार हो गए हो, बट अदरवाइज मैं अभी एक थंब रूल बता दूं जो तुम्हारे स्टूडेंट नोट्स पे जाएगा। प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, ये कभी भी वो लोग ने जो स्टॉक मार्केट का चीज दिया होता है ना, दैट इज ऑलवेज 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 ऑन नैव, दैट इज ऑलवेज ऑन नैव। समझ रहे हो तुम लोग? यहां पे दिस
प्रीमियम ऑफ टू इज ऑन नैव. नैव को ही अपन लोग ने बेस रखा है ना 12 का और मार्केट में 14 है, तो अपन लोग बोल रहे हैं हाँ यार प्रीमियम है. नैव को ही बेस रखा है 12 का, मार्केट प्राइस 3 हो गया, हाँ यार डिस्काउंट पे है, समझ रहे हो. सो बेस तुम्हारा क्या रहेगा, नैव. सो नैव के बेस पे मार्केट प्राइस कैलकुलेट होगा. तो नैव क्या बताता है, बताया क्या नैव बताता है कि यार एक्चुअल प्राइस 12.5 होना चाहिए, बराबर कि नहीं. नैव तो रियल मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस लायबिलिटीज वो सब कैलकुलेट करके नैव कैलकुलेट हुआ रहेगा. तो नैव तो एक्चुअल प्राइस 12.5 होना चाहिए, बट क्या ये 12.5 पे है क्या, नहीं, इट इज एट अ डिस्काउंट. सो रियल प्राइस से डिस्काउंट पे है. कितना डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट. अभी क्लियर एवरीबॉडी. सो यहां पे अपन लोग लिखेंगे सेकेंड चीज, स्टॉक मार्केट प्राइस इन्होंने दिया है डिस्काउंट एट द रेट 25%. स्टूडेंट नोट का पार्ट बनेगा ये, मैं इधर खाली एसएन लिख रहा हूं, तुम लोग को खुद से जाके उधर स्टूडेंट नोट में लिख देना है, वो तुम लोग कर लेना. स्टूडेंट नोट का पार्ट बनेगा दैट डिस्काउंट परसेंटेज ऑलवेज कैलक्यूलेटेड ऑन करंट नैव. समझू एवरीबॉडी, डिस्काउंट परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन करंट नैव. तो डिस्काउंट बोलू या प्रीमियम बोलू, तो इसको स्लैश प्रीमियम भी लिख देते अपन. तो क्या ये तुम लोग लिख दोगे खुद से स्टूडेंट नोट्स में? यस सर. डिस्काउंट स्लैश प्रीमियम परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन करंट नैव. जैसे शेयर्स का फेस वैल्यू है वैसा ही म्यूचुअल फंड का नैव है? नो, राइट सर, नो. इसका फेस वैल्यू 10 ही है, ये इसका नैव है जो इसका करंट मार्केट प्राइस है. ये जो शेयर का करंट प्राइस होता है ना, जो रियल प्राइस होता है, वो अपन लोग सिक्योरिटीज वैल्यूएशन में सीखेंगे. तो इसके लिए फेस वैल्यू नहीं है ये नैव, तो प्लीज वो गलती मत करना अभिषेक कृष्ण. वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज में ये चीज तेरा क्लियर हो जाएगा. फॉर नाउ दिस इज योर फेस वैल्यू, दिस इज योर फेस वैल्यू. ये तेरा नैव है जो करंट, जो रियल प्राइस बताता है. नैव क्या बताता है? रियल प्राइस ऑफ द यूनिट विच इज एट अ डिस्काउंट. सो यहां पे अपन लोग ब्रैकेट में लिख देंगे 12.5 - 25%. क्या जो भी बैठा है इधर उसको किसी को कोई, उसको किसी को कुछ डाउट है क्या? गाइस मैं अभी भी पूछ रहा हूं, आई होप तुम लोग इसमें से कितने जने जो फर्स्ट टाइम कर रहे हो एसएफएम, एकदम फर्स्ट टाइम, मतलब तुम लोग को चैप्टर का नाम भी कल पता चला, परसों पता चला, ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे बताओ मुझे, जेन्युइनली बता ना, एकदम जेन्युइनली, जिनको कुछ भी नहीं पता एसएफएम के बारे में. चैप्टर का नाम भी पता चला खाली. अच्छा इतने सारे, असलीन, निसी, सैफ, प्रिंस, रूपल, रोहन, आयुषी. अच्छा अच्छा अच्छा, तो बेस्ट है, तो फिर ठीक है. तो मतलब मैं क्यों पूछ रहा था कि ये लोग मेरे अभी बेस है. तो अभी अगर सैफ है, प्रिंस है, रूपल है, रोहन है, आयुषी है, ये लोग को मैं पूछूंगा ये तुम लोग को समझा क्या. अब ये लोग फर्स्ट टाइम वाले, ये लोग को समझ गया तो आई अज्यूम के सबको ही समझ गया. मैं तो स्कैम 1992 देखकर इधर आया, वाह क्या बात है. यस भाई, सो इन शॉर्ट नैव है 12.5, स्टॉक मार्केट प्राइस है उसका 9.375 पर यूनिट. और फिर बाद में और क्या है, और क्या है, और क्या है? ओके, डिविडेंड मिलेगा. सो यहां पे डिविडेंड कितना दिया है, 5%. अब डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होता है? म्यूचुअल फंड का डिविडेंड हो या दुनिया का कोई भी डिविडेंड हो, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. ये जो है ना, जिस पे एनएफओ आता है वो होता है फेस वैल्यू. सो याद रखना हमेशा, म्यूचुअल फंड हो या कोई भी चीज हो, बिकॉज क्या होगा अगर समझो डिविडेंड फेस वैल्यू पे ना कैलकुलेट होके मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होने लगा, तो मार्केट प्राइस तो रोज चेंज होता है,
मार्केट प्राइस तो इनफैक्ट शेयर्स में तो हर सेकंड चेंज होता है, तो आप डिटरमाइन कैसे करोगे कि किसको कितना डिविडेंड देना है? इसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन के लिए उन्होंने बोला म्यूचुअल फंड डिविडेंड विल बी गिवन एट फेस वैल्यू। यहां पे और एक पॉइंट आ गया आप लोग का कि म्यूचुअल फंड डिविडेंड ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। सो 10 का फेस वैल्यू है, 5% का डिविडेंड दिया है 0.5। तो कैन आई से क्वेश्चन में जो चीजें दी थी वो अपने को क्लियर हो गई है? ये भी प्लीज स्टूडेंट नोट में लिख लेना भाई लोग, दैट म्यूचुअल फंड ऑलवेज डिविडेंड कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। डन डन सर। चलो अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अब अपने को बताना है कि कितना रिटर्न मिला है। सो कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न्स किसके लिए? मिस्टर विवेक के लिए। तो अपन बोलेंगे मेरे भाई विवेक, तूने ये कितने में खरीदा था? 10 रुपए में। चलो ग्रेट, अच्छी बात है, धन्यवाद। सो कैलक्यूलेशन ऑफ रिटर्न्स किसका? विवेक का। सो विवेक का कैलक्यूलेशन ऑफ रिटर्न्स जो है मेरा, यहां पे अपन उसको बोलेंगे भाई तूने कितने में खरीदा था? वो बोलेगा 10 रुपए में। अब तुझे बेचना कितने में पड़ेगा? 9.375। सो अपन उसको बोलेंगे भाई तेरा परचेज प्राइस था ₹10, तेरा सेल प्राइस था ₹9.375। बराबर है, पर यूनिट में कैलकुलेट कर रहा हूं। सो यहां पे मुझे पता चल जाएगा कि यार ये तो बेचने पे लॉस हो गया, कितने का? 0.625 पर यूनिट का लॉस हो गया। बट इस एक साल के दरमियान कैन आई से मुझे डिविडेंड मिल गया है, वो मेरे लॉस को थोड़ा कम कर देगा। तो ये मेरा लॉस है बट इसमें मेरे को डिविडेंड मिल गया है 0.500 पर यूनिट का। बराबर है। सो नेट मेरे को क्या बच रहा है? नेट मेरा जो बच रहा है रिटर्न, अनफॉर्चुनेटली इज इन नेगेटिव। सो -0.125 पर यूनिट। ए समझू? ओके, तो इतना रिटर्न आया है। सो वी विल से कि भाई नेट रिटर्न इज 0.125। बेस प्राइस कितना है? बेस परचेज प्राइस कितना है? दैट इज 10। सो -0.125 अपॉन बेस परचेज प्राइस 10। आप मुझे बताएंगे कितना, एंड दैट इज गिविंग यू अ रिटर्न ऑफ -1.25%। -0.125 डिवाइड बाय 10 इंटू 100। अच्छा, इसको डिवाइड बाय 10 क्यों किया? बिकॉज ये आपका परचेज प्राइस है भाई। कितने में खरीदा था? 10 रुपए में जो चीज खरीदी थी उसके ऊपर नेट नेगेटिव 0.125 मिला है, मतलब 1.25% का मेरा ओवरऑल रिटर्न आया है। अभी क्लियर एवरीबॉडी? तुम लोग सब लोग का आया -1.25%? जिसका आया मतलब इसको नहीं समझ में आया था, अभी समझ में आ गया, और जिसका आ गया था वेल एंड गुड। ए गाइस, कैन आई से इससे और एक स्टूडेंट नोट निकलता है, क्या पता है? कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न्स अगर अपने को करना हो देन इन दैट केस कैन आई से ये फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। क्या फॉर्मेट को? आओ बताता हूं मैं। सो स्टूडेंट नोट्स के लिए और एक चीज मिल गई है आपको, इधर लिख देता हूं मैं SN। क्या? सो रिटर्न्स इज इक्वल टू रिटर्न्स, कैसे कैलकुलेट किया अपन लोग ने? देखो अपन लोग ने क्या किया, कैन आई से सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस किया। इधर तुम लोग को परचेज माइनस सेल्स दिख रहा है, बट हुआ क्या है? हुआ तो एक्चुअली सेल्स माइनस परचेज है ना। सो कैन आई राइट हियर विद योर परमिशन, रिटर्न्स परसेंटेज इज इक्वल टू सेल प्राइस पर यूनिट माइनस परचेज प्राइस पर यूनिट प्लस डिविडेंड पर यूनिट या और कोई अदर इनकम आया होता। बराबर कि नहीं? ऑल ऑफ दिस डिवाइड बाय परचेज प्राइस पर यूनिट।
ए समझू एवरीबॉडी, सही है सही है। क्या ये लोग तुम लोग लिख लोगे स्टूडेंट नोट्स में एवरीबॉडी, यस और नो? ठीक है, और एक चीज जाएगी स्टूडेंट नोट्स में, पूछो क्या, दैट कब वो जो डिस्काउंट है, कब डिस्काउंट पे होता है और कब प्रीमियम पे होता है। सो इन केस ऑफ क्लोज एंडेड फंड, सीईएफ मतलब क्लोज एंडेड फंड, अगर कैन आई से नैव, देखो यहां पे क्या था, नैव वॉज हायर देन मार्केट प्राइस, तो अपन ने बोला इट इज ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट। अभी क्लियर एवरीबॉडी? देखो यहां पे नैव वॉज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, तो अपन बोलते हैं ट्रेडिंग एट डिस्काउंट, ट्रेडिंग मतलब मार्केट में ट्रेडिंग एट डिस्काउंट। सो यहां पे अपन लोग लिख लेंगे इफ नैव इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, जो अपना ट्रेडिंग प्राइस है ग्रेटर देन, तो नैव ग्रेटर देन मार्केट प्राइस हुआ तो इन दैट केस क्या होता है ये, इट इज एट डिस्काउंट। एंड कैन आई से वाइस वर्सा, इफ नैव लेस देन मार्केट प्राइस देन इन दैट केस दिस विल बी एट प्रीमियम, प्रीमियम प्रीमियम। ए समझी गुड एवरीबॉडी? सो कैन आई से क्वेश्चन भी हो रहा है, कॉन्सेप्ट्स भी अपना अपना मस्त में हो रहा है, क्लियर है गाइस? चलो कैन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा का पूरा खुद से अभी ट्राई कर पाओगे? क्वेश्चन नंबर 7, अगर मैं आपको बोलूं 5 मिनट देता हूं, पूरा का पूरा खुद से ट्राई कर पाओगे? लाइट्स कैमरा रोलिंग एक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 मिस्टर वी आप स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 मिस्टर वी आप स्टार्ट करेंगे और फिर 5 मिनट बाद हम एंट्री लेंगे। योर टाइम स्टार्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 7 लेडीज एंड जेंटलमैन स्टार्ट।
चलो टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। कुछ लोगों का आंसर आया है, कुछ कर रहे हैं। चलो लेट द गेम बिगिन। अब मैं स्टार्ट करता हूं साथ में ही। चल गुड गुड, पब्लिक हैज गिवन द आंसर्स ऑलमोस्ट ऑल वेल। जसलीन जी डिविडेंड तो जीरो है, वेरी गुड समीक्षा। रोहन बीस से शेट्टी भांबनिया दवे कृष्णन राधे श्याम सिंगला बहुत बढ़िया मीर रजा चूना वाला पुष्पश्री निसी भरत महादेव। चलो स्टार्ट मानसी। चलो चलो भाई ये तो यही बोलते रहो। मिस्टर वी परचेज्ड अ क्लोज्ड एंडेड फंड विद अ नैव ऑफ रुपीज 25 पर यूनिट फॉर ओनली रुपीज 20। अच्छा जी, मतलब क्या हुआ इधर, ये देखो इधर क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था ये? सबसे पहले क्लोज्ड एंडेड फंड है, ब्रैकेट में कभी भी लिख देने का भाई। क्वेश्चन अगर दे देता है ना तो लिख देने का, वरना है ना फ्लो फ्लो में ओपन एंडेड ही लगता है। सो क्लोज्ड एंडेड फंड है। फिर With a NAV of 25 per unit for only rupees 20. NAV is rupees 25 per unit. Market price rupees 20 per unit. Done. अब देखो क्या बोला है वो लोग ने। Mr. V purchased a closed ended fund with a NAV of 25 per unit. फॉर ओनली रुपीज 20। तो क्लोज एंडेड फंड है, इसके लिए नैब में परचेज या सेल नहीं हुआ, उसका जो मार्केट में रेट चल रहा था 20 रुपया उसके हिसाब से हुआ। कैन आई से दिस इज माई परचेज प्राइस? पब्लिक दिस इज माई परचेज प्राइस, यस सर। आगे बढ़ते हैं, फिर देखो क्या बोला है। एक साल बाद एट द एंड ऑफ द ईयर द फंड नैब वॉज सेलिंग एट रुपीज 27 सॉरी द फंड्स नैव वॉज 27 सेलिंग एट 5% प्रीमियम। क्या बात है, क्या बात है। सो अब यहां पे आफ्टर वन ईयर क्या होने वाला है? नैव 27 पर यूनिट है और इसका मार्केट प्राइस होने वाला है 5% प्रीमियम। कभी भी प्रीमियम या डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करते हैं? अभी बात हुआ नैव पे। So premium on NAV, so 27 plus कितना premium बोल रहा है? 5%। So ये क्या हो गया? 28.35 guys, सही जा रहा हूं? चलो perfect, done. Next, अब बोलोगे calculate करने को क्या बोला है? दे डिड नॉट पे आउट एनी डिविडेंड, तो नो डिविडेंड, नो कैपिटल गेन। हाउ मच वॉज द ओरिजिनल डिस्काउंट एंड वॉट वॉज मी मिस्टर वीज रिटर्न? पहले मैं रिटर्न कैलकुलेट करूंगा बिकॉज वो ही मुझे एक्साइट करता है, रिटर्न। सो रिटर्न इज नाउ वॉट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। अच्छा रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने उसका ऑलरेडी फॉर्मेट डाल दिया है। तो सेल प्राइस पर यूनिट कितना है मेरा? सेल प्राइस, कैन आई से परचेज और सेल दोनों भी मार्केट प्राइस पे होगा? परचेज और सेल दोनों भी मार्केट प्राइस पे होगा। सो यहां पे अपन लोग बोलेंगे सेलिंग प्राइस 28.35 सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस 20 रुपीज में खरीदा था, क्या कोई डिविडेंड या कुछ मिला है? क्या नहीं मिला है? डिवाइड बाय परचेज प्राइस, परचेज प्राइस कितना है अपना 20,
All of this multiply by 100 will give me the return percentage. So 28.35 minus 20 divide by 20 into 100 ये आ जाता है 41.75%. किसी को इधर डाउट हो तो वो ये फॉर्मूला अपन लोग ने लिख दिया है, इसको भी यूज कर सकते हो. जी हाँ, ठीक है. और दूसरा चीज उसने क्या पूछा है, कितना डिस्काउंट पे इश्यू किया था, बराबर ना. सो हाउ मच वॉज द ओरिजिनल डिस्काउंट. सो ओरिजिनल डिस्काउंट, सो अपन बोलेंगे भाई देखो, जो चीज 25 रुपए में बिकनी चाहिए थी, क्योंकि नैब उसका 25 का है, अपने को 20 रुपए में मिल गई, मतलब अपने को डिस्काउंट में मिल गया. सो 25 रुपए की चीज 20 रुपए में मिल गई, बराबर है. बेस क्या है, बेस है 25 भाई, बेस मतलब 25 रुपीज में मिलना चाहिए था ना. 5 रुपए का मेरे को डिस्काउंट मिला, किसके ऊपर, 25 के ऊपर. सो 5 डिवाइड बाय 25, दिस विल गिव मी 20%. इधर भी इंटू 100 करना है, कर दो. सो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट किया, नैव माइनस मार्केट प्राइस अपॉन नैव. ये भी आप लोगों को चाहिए, स्टूडेंट नोट का पार्ट बन सकता है. डिस्काउंट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया, नैव माइनस मार्केट प्राइस अपॉन नैव इन केस ऑफ क्लोज्ड एंडेड फंड्स, इन केस ऑफ क्लोज्ड एंडेड फंड्स. समझ में आया ना. सो बेस है आपका 25 रुपए का होना चाहिए था, बट वो चीज आपको 20 रुपए में मिल गई, तो 5 रुपए का डिस्काउंट मिला. किसके ऊपर 5 रुपए का डिस्काउंट मिला, 25 रुपए के ऊपर, मतलब 20% का डिस्काउंट मिला है आपको. गॉट इट एवरीबॉडी. और इधर ही अपन लोग ने लिखा भी है, व्हेन नैव इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, नैव 25 है, मार्केट प्राइस 20 है, डिस्काउंट पे काम चल रहा है. गच्चा 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 एवरीबॉडी. अरे बोलो यार, सब लोग का डन हो गया है, ये स्टूडेंट नोट में लिख दोगे खुद से. चलो सम्स हो रहा है, समझ में आ रहा है सम्स. चल क्या एक क्वेश्चन दूं तुम लोगों को वापस से खुद से. हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 12. सेम सेम टेक्निक तुम लोग ट्राई करोगे, फिर मैं सॉल्व कर लूंगा एंड विल मूव ऑन. सेकेंडरी मार्केट ऑफ क्लोज एंडेड फंड इज लाइक स्टॉक मार्केट. नहीं रोहन, इज स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में ही ट्रेडिंग होता है भाई साहब, हम स्टार्टिंग से यही तो लिखते आ रहे हैं. मैंने देख लिखा भी होगा, स्टॉक मार्केट ही वर्ड ही यूज कर लिया अपन लोग ने. ये रहा, क्लोज ट्रेडिंग ऑफ क्लोज्ड एंडेड फंड विल बी एट स्टॉक मार्केट. मित्रा ऑलरेडी लिखा है अपन लोग ने, इज लाइक नहीं, इट इज. चल समीक्षा जी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो ना मेरे टेलीग्राम चैनल से, तो आपको फिर ये देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा. पीडीएफ डाउनलोड कर लो, अभी फिलहाल मैं दिखा देता हूं ये क्वेश्चन. पे अटेंशन, ये देखो फटाफट एवरीबॉडी, स्टार्ट योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
चलो 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 स्टार्ट करेंगे पब्लिक। चलो क्या बात है, लोगों का आंसर आना चालू हो गया है, करेक्ट आंसर भी दे रहे हैं। दीपांशु शर्मा, आरती आनंद, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर। चलो लेट्स स्टार्ट। द नेव ऑफ एक्स वाई जेड, तो अभी क्या करने का, अपने को सिस्टम समझ गया ना, कोई भी क्वेश्चन दिया हो पहले लिख लो जो इंफॉर्मेशन है, और फिर बाद में अपने पास अपना फॉर्मूलाज है, अपने पास अपना लॉजिक्स है, उससे खेलो, यू विल गेट द आंसर। राधेश्याम, समीक्षा, रूपल, बहुत बढ़िया, गांधी जी, बहुत बढ़िया। चलो कंपनी का नाम क्या है, द नेव ऑफ पर यूनिट ऑफ एक्स वाई जी म्यूचुअल फंड, अ क्लोज एंडेड फंड। एक्स वाई जी म्यूचुअल फंड है, कैसा फंड है ये, क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड। नेव ऑन 1/1/2014 वॉज रुपीज 28। इज इक्वल टू रुपीज 28। द वैल्यू ऑन 31/12/2014 वो कम्स टू 28.8। ओके, ये अलग डेट है आई गेस, ये 31/12/14। थर्टी वन ट्वेल्व फोर्टीन का नैब दिया है वो लोग ने रुपीज 28.8। ठीक है, ऑन द सेम डेट यूनिट वॉज ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम ऑफ 3%, दो ऑन 1/4/14 सेम वॉज ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट एट 5%। ओके नो प्रॉब्लम, तो यहां पे डिस्काउंट एट द रेट 5%, मतलब मार्केट प्राइस कितना हुआ, मार्केट प्राइस हुआ 28 - 5%, विच इज 26.6। ठीक है, एंड यहां पे प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब मार्केट प्राइस कितना हुआ, 28.8 + 5%, 30.24। ए समझ गए, ठीक है, बोलो डन। तुम लोग का मेरा अलग क्यों आ रहा है सर, वो प्रीमियम 3% है, 5 नहीं है। ओके सो लो भाई, 3% के हिसाब से कर लेते हैं, 29.664। चल डन। अब अपने को कैलकुलेट क्या करना है, ऑन 31/12/14 एक्स वाई जेड डिस्ट्रीब्यूटेड अ सम ऑफ 2.8 एज इनकम एंड कैपिटल गेन्स। सो ये भी अपन लोग ऐड कर देंगे, इस म्यूचुअल फंड में इनकम एंड कैपिटल गेन मिला है कितने का, 2.8 का। बस अब अपने को कैलकुलेट करना है रिटर्न टू द इन्वेस्टर। सो इन्वेस्टर को कितना रिटर्न मिला है, इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला रेडी है। So, इन्वेस्टर को कितना रिटर्न मिला है उसके लिए फॉर्मूला क्या है बच्चों, बोलो। कैन आई से सेल, सेल प्राइस माइनस परचेस प्राइस प्लस डिविडेंड या कैपिटल गेन डिवाइड बाय परचेस प्राइस, बिकॉज क्लोज एंडेड फंड है, सेल और परचेस वुड बी एट मार्केट प्राइस, जो अपन लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। बोलो बोलो, टेल टेल, सेल प्राइस कितना है सर, सेल प्राइस है 29.664, सो 29.664, परचेज प्राइस है 26.6। वाओ क्या क्लासिक केस है, परचेज एट डिस्काउंट, सेल एट प्रीमियम, प्लस 2.8 मिला है, बेस है अपना 26.6 का, 29.664 माइनस 26.6 प्लस 2.8 डिवाइड बाय 26.6, ये आ जाता है आपका 22.0451%। अच्छा एवरीबॉडी समझू,
बोलो बोलो, चल चल, डन गाइस, क्लियर? किसी को कोई भी डाउट इसमें? चलो अब एक छोटा सा और एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। चलो लेट्स स्टार्ट। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं एक और करवाऊं, उसके पहले एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? उसके पहले एक एग्जांपल देता हूं। आप लोग ने समझो एसके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, आप लोग ने एसके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। जब आप लोग ने एसके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था तो वो डेट था फर्स्ट ऑफ जून। आपने एसके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया फर्स्ट ऑफ जून 2023 को, आपने इन्वेस्ट किया उस दिन पे नैव था रुपीज, उस दिन पे नैव था रुपीज 6,300, 6,300 उस दिन पे उसका नैव था, 6,300 पर यूनिट। ये ओपन एंडेड फंड है, ये ओपन एंडेड है, क्या ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है। सो वाज जून 2023 को 6,300 पर यूनिट पे आपने नैव लिया। अब 20th जुलाई 2023 को आप रिडेम्पशन के लिए आ रहे हो, आप रिडेम्पशन के लिए आ रहे हो, उस दिन पे नैव है 7,000 पर यूनिट, उस दिन पे नैव है 7,000 पर यूनिट, ठीक है? अब इस दरमियान 1 जून से लेकर 20th जुलाई तक कंपनी ने डिविडेंड, कैपिटल गेन, अदर इनकम भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, एंड दैट इज ₹500 पर यूनिट। क्या आप लोग खाली इस इंफॉर्मेशन से मुझे बता पाओगे कि आपने टोटल कितना रिटर्न परसेंटेज अर्न किया है फ्रॉम एसके म्यूचुअल फंड? कम ऑन एवरीबॉडी, स्टार्ट। बोलो फटाफट, मुझे आंसर चाहिए सब लोग का। वेरी गुड, कैन आई से सब लोग का आंसर है 19.05%। सो बेसिकली आप लोग ने क्या किया, आप लोग ने बोला कि सर अभी 7,000 हो गया, इतने पे हम लोग को बेचने गए, 6,300 में हमने लिया था, प्लस ₹500 का आपने डिविडेंड या नैव दे दिया है, 6,300 का ओपनिंग प्राइस है। सो बेसिकली 200 करते हैं तो बेसिकली आ जाता है आपका 19.05%। गॉट इट? अब यहां पे आ जाओ, अब यहां पे आ जाओ, कहना इससे इसका मतलब, इसका मतलब अगर मेरे को रिटर्न्स कैलकुलेट करना हुआ, अगर मेरे को रिटर्न्स कैलकुलेट करना हुआ तो क्या मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, 7,000, 7,000 मतलब क्लोजिंग नैव, जिस दिन मैं बेच रहा हूं उस दिन का क्लोजिंग नैव माइनस 6,300 जितने पे मैंने खरीदा था, तो मतलब ये कहना इसे मेरा ओपनिंग नैव जैसा हो गया, प्लस मुझे जो भी डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कैपिटल गेन मिल रहा है फ्रॉम म्यूचुअल फंड, वो सारा का सारा मैं ऐड कर दूंगा, ऑल ऑफ दिस डिवाइड बाय ओपनिंग नैव, ऑल ऑफ दिस डिवाइड बाय ओपनिंग नैव। बच्चा आ जाइए आप सब क्वेश्चन। ए जय कुमार जानी, ये तू क्या लिख रहा है? हाँ सब लोग आंसर करेक्ट है, जय कुमार जानी, यहीं पे लॉस्ट हो गया है। यस, ये भी आपके स्टूडेंट नोट का पॉइंट है, बिल्कुल लिख सकेंगे आप। और अब इसी के बेसिस पे अपने को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 10। अब म्यूचुअल, और ये मैं बता दूं, अभी आज तक, अभी आज जितने भी अपन ने क्वेश्चन किए सारे के सारे आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं। अ म्यूचुअल फंड दैट हैज अ नेट एसेट वैल्यू ऑफ 20 एट बिगिनिंग ऑफ द मंथ मेड इनकम एंड कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 0.0375, 0.03 पर शेयर ड्यूरिंग द मंथ एंड देन एंडेड द मंथ विद अ नेट एसेट वैल्यू ऑफ 20.06। क्या अपन मंथली रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं बच्ची? यस सर, 2 मिनट दे रहा हूं, लाइट्स कैमरा रोलिंग, एक्शन।
चलो आई थिंक काफी इजी था ये तो, करेक्ट। चलो सो 2 मिनट में इसको सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग ने कर ही लिया है। ओ वेरी गुड जय कुमार। चलो सो एज यूजुअल क्लोजिंग मैप 2106, सो रिटर्न्स कैलकुलेट करना है, वी विल से 20.06 माइनस 20 प्लस 0.0375, 0.03 ऑल ऑफ दिस डिवाइड बाय 20 ये अपने को मिल जाता है 0.6375%। ऑलराइट चलो डन गाइस, अब डेफिनेटली एक मच रिक्वायर्ड ब्रेक बनता है, ज्यादा ब्रेक लंबा नहीं खींचेंगे, सो 5 to 8 मिनट्स में वापस आ जाएंगे। ओके गाइस।